गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आशीष टॉट इन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक का मार्केट कहां से कहां तक मोमेंटम कर सकते हैं और क्या होगा हमारा आगे का ट्रेडिंग प्लान। उससे पहले हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस वीक में हमने क्या ट्रेड लिया था। चलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और उसके बाद हम आगे चलेंगे हमारे ट्रेड एनालिसिस पे कि इस हफ्ते हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रेड लिए थे लगभग 26 मई के आसपास। यहाँ पे आप देखोगे 18,000 का हमने पी शॉर्ट किया था और 22 लॉट के आसपास 9 रुपए के आसपास हमें प्रीमियम अचीव हो रहा था और 17,500 के आसपास हमने पी शॉर्ट किया था, वो था 22 लॉट के आसपास। ये हमने हेज पोजीशन क्रिएट किया था जिससे कि हमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाए। उसके बाद दूसरा ट्रेड हम लिया था, वो सक्सेसफुल गया था। दूसरा ट्रेड हम लिया था लगभग 18,200 का पी शॉर्ट किया था, ये भी बुलिश साइड में था और लगभग इसमें भी हमें 8.80 के आसपास हमें प्रीमियम अचीव हो रहा था। इसमें भी हमने हेज लिया था, ये बस प्रीमियम बेनिफिट के लिए है। दूसरा ये तीसरा जो ट्रेड लिया था हमने 100 पॉइंट ऊपर, ये भी बुलिश साइड में था 18,300 के आसपास। लगभग तीन ट्रेड हमारा सक्सेसफुल गया है और ये तीनों ट्रेड में मिला के हमें हमारा जो है टारगेट अचीव हो गया था। लगभग हमने यहाँ पे टारगेट अचीव का स्क्रीनशॉट भी दे दिया था, किसी भाई ने मांगा था तो हमने उसका ख्वाहिश पूरी की। और अभी चलते हैं हमारा इस हफ्ते की ट्रेड एनालिसिस पे कि क्या हो सकता है इस हफ्ते, क्या और इस हफ्ते का मतलब इस वीक का कि ट्रेड प्लान क्या रह सकता है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स देखोगे यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया जहां से प्राइस घूमा है, वापस नीचे की तरफ आया है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो है एक बुलिश साइड में ट्रेड चल रहा है, मतलब जो ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, प्लस इसने कोई भी लो ब्रेक नहीं किया है। ये कुछ मैंने गलत दे दिया क्या? ओके, ये वाला ड्राइंग शायद सही नहीं है, एक मिनट मैं इस ड्राइंग को हटा देता हूँ, 2 मिनट। अभी मेरा एपिक पेन जो है थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ, नया सपोर्ट की बात करूँ, हाँ ऐसा नहीं है कि अगर ये डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ये ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम से मैं बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो वो है 18,661 के आसपास और जो है सपोर्ट मेरा बन के आ रहा है वो आ रहा है 18,450 से लेकर 18,400 के बीच में, ये हमारा सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे सीधी सी जाब है, और इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है, ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट देता है तो हम जो है एक कॉल साइड में ट्रेड लेंगे। अभी चलते हैं हमारे 1 आवर के कैंडल पे, थोड़ा सा बेटर हमको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि क्या चल रहा है बाजार में। तो बाजार जो अभी जो है यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 2-3 दिन से साइडवेज जगह पे घूम रहा है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एरिया के आसपास, यहाँ पे मैं थोड़ा कर देता हूँ आपके लिए, इस एरिया के आसपास अगर ब्रेक देता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, ये सपोर्ट ब्रेकआउट होता है, 4,450 का ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट देता है, आप आराम से डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं, आपको टारगेट मिल जाएगा। टारगेट कहाँ तक मिल जाएगा आपको वो देख लेते हैं एक बार। टारगेट मिल जाएगा आपको लगभग आपका 18,224 के आसपास, मतलब मान लीजिए ये हमारा पहला टारगेट हमको अचीव हो जाएगा, मतलब उम्मीद करता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि 100% होगा ही, शेयर मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, कभी भी बाजार घूम सकता है, कुछ भी न्यूज़ आ सकता है। तो एक मोटा मोटा भी है, कॉल साइड में मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि कॉल साइड में अगर मेरे को मिलता है ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है मान लेते हैं तो ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है, तो कॉल साइड में मैं करूँगा भी तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करूँगा और जो है मैं उम्मीद करूँगा कि कॉल साइड में ना ही जाए तो बेहतर है, डाउन साइड में हमें ट्रेड मिले तो थोड़ा सा हमको स्मूथ ट्रेड मिल जाए, क्योंकि बीच में काफ़ी अच्छा गैप यहाँ पे जो आप देखोगे ये जो काफ़ी अच्छा एक गैप है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। हालांकि इतना बड़ा ट्रेड टारगेट अचीव होगा कि नहीं ये भी मुझे डाउट है ना उस साइड में, एक मिनट थोड़ा सा टारगेट को एडजस्ट करूंगा, सॉरी ट्रेडर्स। ओके, 18,266 के आसपास हम पहला टारगेट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, हो भी सकता है ऐसी बात नहीं है, मिल तो जाएगा ऐसे, लेकिन फिर भी हम एक सेफली एक चलेंगे तो हमें डाउन साइड में 18,266 के आसपास 80,266 के आसपास हमें टारगेट मिल जाएगा। कॉल साइड में अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लेता भी हो तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 18,000 यहाँ के जो ऑल टाइम हाई बोला,
ये जो कॉन्सोलिडेशन जोन एरिया है यही तक हमको पहला टारगेट मिलेगा। उसके बाद ये अगर ब्रेक होता है, उसके बाद ये जो एरिया है, अगर मान लेते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है इस एरिया पे, अगर यहाँ पे अगर ये ब्रेक हो जाता है 18,650 का जो ये ट्रेंड लाइन है, ये सॉरी ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये ब्रेक हो जाता है तो हमें ऊपर की तरफ फिर उसके बाद हम ट्रेड आगे का प्लान कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए, जब तक ये नहीं ब्रेक हुआ है, तब तक हमें ये ट्रेड टारगेट को छोटा ही रखना पड़ेगा। कॉल साइड में निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में, उसमें क्या हालचाल चल रहा है ये देख लेते हैं। ओके ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी भी जो है वो भी अभी भी फिलहाल के लिए नहीं, बैंक निफ्टी 1 आवर के घंटे ये भी साइडवेज में चल रहा है अभी। इसको अगर मुझे अगर ट्रेड करना हो इस हफ्ते में तो कैसे कर सकता हूँ वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अगर मुझे इस हफ्ते का ट्रेड करना हो तो सबसे पहले जो इसका जो मेरा मेन सपोर्ट बन के आ रहा है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसको। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ट्रेडर्स, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये जो है एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, प्लस एक सपोर्ट एरिया भी है, प्राइस रिएक्शन एरिया भी है। ये एरिया है 43,767 के आसपास जो है हमारा सपोर्ट एरिया है, S1 है। इसको अगर ब्रेक करता है, सीधा सा हिसाब है, नीचे के साइड में हम ट्रेड लेंगे। टारगेट हम कहाँ तक रखेंगे, टारगेट रखेंगे 43,400 के आसपास, हमें एक पहला टारगेट आराम से मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सेफली चलेंगे तो 43,500 के आसपास हम टारगेट बुक कर सकते हैं, एक छोटा सा हमको मिल जाएगा। अगर हम कॉल साइड की मैं बात करूँ तो अगर ये ट्रेंड लाइन, ये जो एरिया है इसको 44,150 के आसपास एरिया है, तो ये हमको मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। यहीं पे आप देखोगे तो कहाँ पे है, एक मिनट ट्रेडर्स, ओके यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट जो है हमारा ऑल टाइम हाई है, 44,448 के आसपास जो है हमारा पहला टारगेट मिलेगा, जो कि है ये प्राइस, ये जो रेजिस्टेंस एरिया हमारे बन रहा था। अगर यहाँ पे हमको ये रहे ब्रेक कर देता, ऊपर साइड में मैं पहले ही बोला, ऊपर साइड में मैं फिलहाल थोड़ा सा जो है हेजिटेट फील करूंगा, थोड़ा कम क्वांटिटी में करूंगा। डाउन साइड में मेरे को मिलता है तो मैं करूंगा, क्योंकि ऑल टाइम से हाई से बैंक निफ्टी जो है नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई को सस्टेन नहीं किया, उसने ब्रेक कर दिया था, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया था दोबारा। अगर हाँ, कब मैं कॉन्फिडेंटली कॉल साइड में ट्रेड करूंगा, जब जो है 44,478 के ऊपर जब जाता है तो मैं दोबारा कॉल साइड में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करूंगा। ये था मेरा एक इस हफ्ते का एक छोटा सा व्यू था। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हमारे कमेंट में कमेंट बॉक्स खुलाएं, आप वहां पे जाइए, और किस टाइप का कंटेंट आपको चाहिए, कि टेक्निकल कंटेंट चाहिए या आपको कुछ सीखना है, लर्निंग कंटेंट चाहिए, या जो हमारा चार्ट एनालिसिस वगैरह, हमको एक व्यू हफ्ते का जो मैं बना रहा हूँ वही चाहिए, तो वो आप कमेंट पे लिखिए, उस हिसाब से हम हमारा कॉन्टेंट को बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।